तुम अभी के अभी इस लड़की को अपने घर भेजो। सुन, मैं क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ तो वो जो पापा के कमरे में जाके अपनी बेतकल्फी दिखा रही है वो? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये लड़की बहुत चालाक है। मैं ही बेवकूफ थी जिसे नहीं पहचान सकी। लेकिन फहद, मुझे अब इसका सारा चक्कर समझ आ रहा है। कैसा चक्कर? फहद, मैंने बहुत बार नोट किया, ये बहाने बहाने से पापा के करीब रहने की कोशिश करती है। मलिया, तुम्हें भी नाजिया के साथ मेरा वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया? क्या मतलब? देखो मलिया, जिस तरह मैं अपनी मामा को लेकर नाजिया को बर्दाश्त नहीं कर रहा था ना, उसी तरीके से अब तुम कॉन्शियस हो रही हो महनाज को लेकर। मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि वो पापा से बात करती है। बहुत, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। नाजिया मुझे, मलिया मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा मेरे पापा हैं। जब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सका, पापा को भी महनाज से कोई नहीं दूर कर सकता। परेशान मत हो प्लीज। ये रंग तुम पे बहुत जचेगा बेटा, देखना इंशाल्लाह। हाँ, रिजवानी भाई के कॉल है, जरा बात करें। फैरियत, क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? नहीं ना, बात करें तो सही। जी सलाम अलैकुम, सब खैरियत तो है? आपने फोन किया है? यज़दानी भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ है, कुछ बोलें तो सही। क्या क्या हुआ है, क्या बोल रहे हैं वो? मेरी महनाज की किस्मत फिर इसको तका दे गई। मतलब क्या हुआ अम्मी? यज़दानी भाई ने महनाज से शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसे कैसे अम्मी, रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है शादी सर पे? और अम्मी, आपने उनसे पूछा क्यों नहीं, वो रिश्ता क्यों खत्म कर रहे हैं? क्या पूछती मैं उनसे? इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो आवाज ही उड़ गए। अम्मी आप प्लीज रोए मत, आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। रो नहीं तो फिर क्या करूं बेटा, मुझ पे तो बैठे बेटा इतनी बड़ी कयामत टूट गई। अच्छा अम्मी प्लीज रोना तो बंद करें, आप कम से कम उनको कॉल करके उनसे वजह तो पूछें कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है ऐन वक्त पे। अम्मी इस बार तो मुझे तुम्हारी तरफ से ना पूरा यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को संभाल में पानी लेकर आती हूँ। प्लीज रोना बंद करें अम्मी, अब क्या होगा? हम तो सबको दावत भी दे चुके थे, अब कितनी बदनामी होगी ना हमारी, अब हम क्या कह के मना करेंगे लोगों को? अम्मी ऐसे कैसे सब कुछ हो जाएगा? आप उनके घर जाएं और उनसे बैठ के बात करें और उनसे पूछें कि आखिर वजह क्या है ये सब करने की। मलिया के सामने बात कीजिएगा अम्मी। नहीं भाईसा, मुझे नहीं लगता कि मलिया को पता है, अगर उसे पता होता तो वो मुझे जरूर बताती। मैं तभी तो कह रही हूँ, आप उनके घर जाएं और जाके मलिया को सारी बात बताएं, उनसे पूछें क्या हुआ है। नहीं बेटा, तुम मलिया का फोन मिला के दो जल्दी से।